आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो मैं इस वक्त हूँ हिमालयी क्षेत्र के एक खूबसूरत गांव रातिर में। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं वहीं से जहां पर मैंने पिछली वीडियो में इसे छोड़ा था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। हाँ जी, तो भाई साहब देखिए, ये है गाँव के, हमारे पहाड़ों के गाँव का आतिथ्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, तो मुझे आगे जाना था फिर। नहीं सर, आज इधर रहता हूँ, समय भी देर हो रहा है, आज नाइट भी इधर मेरे कमरे में रहो, फिर कल सुबह निकल जाना। मुझे रहने का ऑफर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिंटू तो यही बने हैं। और भाई है इनकी रसोई, यहाँ पर ये जावे में खाना बनता है, यहाँ पर पालक में भांग डाला है। हाँ। अच्छा, तरीदार बनेगी। हाँ, क्या बात है। रात का खाना आ गया है हमारा, बिल्कुल जैसे गांव देहातों में होता है। ये है पालक की सब्जी और ये है पालक की तरेदार सब्जी भांग डाल के। नीमा। नीमा कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या है पीछे? पत्थर। पत्थर ये कहाँ ले जा रहे हैं? घर में। नमस्कार, क्या हो रहा है? ये गाय के लिए दो बन रहा है तुम्हारे, फिर क्या है तैयारी? अभी सोचता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी सोचा ही नहीं है, जान पहचान वाले मिल जा रहे हैं। आज त्योहार है फिर। ये देखिए गांव की जो सुबह की दिनचर्या शुरू हो चुकी है। सगड़ी जला करके कंटर में पानी रख दिया है, लोग बारी बारी से नहा रहे हैं। हेलो नमस्कार। कहाँ ले जा रहे हो उसको? कहाँ ले जा रहे हो? कुकती में कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो, ये सवारी प्री की। और भाई क्या हाल है? हाँ जी, नाम है आपका? देवान राम। क्या करते हैं? पत्थरों का काम। और क्या करते हैं? पत्थरों का काम करते हैं। उससे हो जाता है गुजारा? क्या करें फिर, अब गुजारा नहीं होता तो करना पड़ता है ऐसे। आशी होते हैं गुजारा। क्या गुजारा होती है, परिवार वाले। और कोई इसके अलावा और कोई साधन आएगा? नहीं है, क्या साधन होता है फिर, कुछ नहीं। क्या है फिर घर में कारोबार आपके? बेरोजगार। अच्छे बेरोजगार। जानवर कितने हैं? गाय बच्चे के ना होने दी। दो है बस खाली। अच्छा, दूध दूध हो जाता है? के ना हम बैठा हूं। बच्चे वगैरह कहाँ हैं? तेल का सूत्र से बन मदरा। अरे नीचे ही है सब। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रोजगार के लिए अब कहाँ जाएगा आदमी? जानो के इनके यहाँ सब कुछ है लेकिन रोजगार सुविधाएं नहीं है। क्या बेरोजगार भाई, बेरोजगार भाई रहते हैं। चलो वक्त बदलेगा, आपके भी हालात बदलेंगे ऐसी उम्मीद है। और कैसे हैं? नमस्कार, ठीक ठाक? ठीक ठाक है। स्वास्थ्य ठीक है? दादी से भाई बीमार है। अच्छा, बहुत मिलती है। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? कुछ पैसा हो गया। मेरा नाम सरिता देवी। सरिता देवी, अच्छा क्या करते हैं फिर आप? कुछ नहीं है, घर में काम। अच्छा, गाय बच्चे। गाय बच्चियाँ। हाँ। और खेती वगैरह भी करते हैं? खेती भी करते हैं। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गाँव में ही? गाँव में ही पढ़ते हैं ये। अच्छा, और खेती बाड़ी में क्या 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 होता है अनाज में? कुछ नहीं होता, जो होता है तो बंदर ही खा लेते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। बाकी कुछ नहीं होता नहीं। तो आप भी कुछ और करते हैं इसके अलावा? नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, हुआ तो यही, नहीं तो कुछ नहीं करते। यही हुआ बस, हो गया। कहीं काम मिलता है तो? कहीं नहीं मिलता काम भी। अच्छा, काम कहीं नहीं मिलता ना। ये देखिए, गांव के ही लोगों द्वारा एक दूसरे के बाल काटे जा रहे हैं। गांव में नाई की दुकान नहीं है तो कल को इनके बड़े होंगे तो ये काटेंगे। क्यों इनके बड़े होंगे तो आप काटोगे? नमस्ते, कैसे हो? अच्छा, बाल काटे जा रहे हैं तो गांव में यही होता है। ये हमने लॉकडाउन में ये चीज़ देखी थी, पहले लॉकडाउन में जब हमारे बाल बड़े बड़े हो गए थे तो गांव के लोगों ने हमारे बाल काटे थे। तो यहाँ दुकान नहीं है तो आप ही एक दूसरे के काटते हैं, आपके बड़े होंगे तो यही काट देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गाँव के एक आपस में भाईचारे को, आपस में प्यार को दर्शाता है। नहीं तो उनको शामा जाना पड़ेगा, बाल काटने के लिए शामा जाना पड़ेगा। यहाँ से 200 रुपये टिकट, कोई काम होगा तो जाएंगे, नहीं तो वैसे
चलिए ठीक है। गांव के बच्चे ही कुशल बालवर हो चुके हैं, देखिए ये देखिए क्या बात है, पैसे भी बच गए अपना काम भी हो गया। हमारे पूरे पुराने संस्कृति का एक और चिन्ह है मौन, ये मौन पालन का डब्बा है, इसमें मौन नहीं है अभी नहीं है। गांव का धारा तो पानी के लिए यहाँ पे धारा बना हुआ है, एक धारे को पानी के वेग को इस तरह से स्थायी रूप दे करके और गाय का मुंह बना करके उसमें, अच्छा घोड़े का मुंह बना रखा है, अच्छा घोड़े का बना रखा है, गाय का नहीं है ये, घोड़े का मुंह है, पता नहीं घोड़े का मुंह बनाने के पीछे भी कोई रीजन होता होगा। तो उस फोर्स को इस पक्की चिनाई करके यहाँ पर घोड़े के मुँह से ये पानी नीचे को आ रहा है, ये देखिए। तो ये भी एक हमारे गाँव वालों का कला के प्रति एक प्रेम दर्शाता है। भैया कैसे हो, नहा रहे हो? ना ना रखा ना। अच्छा ये मकान है? हाँ, ये वो बेटी का है। तो ये मकान अधूरा है पैसों के अभाव में, अभाव आप ही चिनाई कर रहे हो इसमें? हाँ, खुद बताइए कितना शानदार पत्थर, देखिए कितना शानदार है। पैसा होता तो दूसरे को लगाते, पैसा होता तो दूसरे को लगाते। देखिए ये खुद के लिए मकान बना रहे हैं लेकिन पैसों के अभाव में मकान आधा रुका हुआ है, अब कमाते जाएंगे जो कुछ होगा तब करते जाएंगे, लेकिन पत्थर बड़ा शानदार लग रहा है, पत्थर यही का आप ही ने चिना है, आप ही ने तराशा है इस पत्थर को, क्या बात है। ये देखिए बिल्कुल पत्थर ऐसा लग रहा है जैसे कि सीमेंट के ब्लॉक होते हैं उस तरह से बिल्कुल बारीकी से तराश करके, लेकिन क्या करें अफसोस दुर्भाग्य की बात है इनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये मकान का काम रुका हुआ है, अपने लिए बना रहे हैं, क्या कहें। नमस्कार, हाँ जी आप ही का घर है, क्या नाम है आपका? हरमन राम। क्या काम करते हैं? लेबरी करते हैं। अच्छा आप यही, आप भी ये हम आपके? हम भी लेबरी काम करते हैं, दो चार बकरी है, बकरी है, गाय है, दो बैल हैं, उनके साथ है बस बस, बाकी और कोई साधन नहीं है। क्या साधन है, तो सब नहीं है। क्या कहें। और खेती बाड़ी कारोबार क्या है? खेती बाड़ी तो भाई खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत। अच्छा, और गाय भैंस भी है? गाय है। चलो ठीक है, ये आपका ही है ना, आप दोनों सही रहते हैं? नहीं तो ये ऊपर रहते हैं। अच्छा ये ऊपर है, हो गया नाना धोना। चलिए सर आगे ये देखो, देखिए आज है बसंत पंचमी, बच्चों को नहला करके जबरदस्ती नहला जा रहा है, क्यों भाई? अरे बाल काट रखे हैं, बाल काट रहे हैं। अच्छा आज बाल उतार रहे हैं इसके? उतार रहे थे सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये बच्चे के बाल उतारे जा रहे हैं आज, तभी रो रहा है ये, ऐसे पंचमी है सर। पंचमी के दिन बच्चों के बाल उतारे जाते हैं, घर आप ही खुद ही उतार रहे हैं। ये देखिए इसमें पैसे भी रखे हैं, और इसको तो मैं ले जाऊंगा, ये रो रहा है बाल उतारने में, काटो काटो काटो। देखो मैं आपको बताता चलूं, बसंत पंचमी के दिन जो लोग खुद ही अपने बच्चों के बाल उतारते हैं, ये आज का दिन बड़ा शुभ होता है। कितने साल का है ये? तीसरा साल है तभी काट। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये भी हमारी संस्कृति और परंपरा, हमारे रीति रिवाज है। हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शाबाश शाबाश, कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होता इसमें, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। और भाई कैसे हैं? ना बोलिया, आज त्योहार है। अच्छा और क्या हो रहा है? ये देखिए एक घर ये है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन राम। कुंदन राम जी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा और क्या करते हैं? बाहर भी जाते हैं कहीं या गांव में मिल जाती है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये घर आपका हाल में बना हुआ लग रहा है? अच्छा पुराना कौन सा है? पुराना भी यही है ना साहब, अभी जो है गिरी पानी हुई है, इसमें अभी सीमेंट लगाना बाकी है, सीमेंट लगाना बाकी है। चलिए और भाई नहा लिया, मार खा के नहाया ऐसे नहाया, मार खा के नहाया ऐसे नहाया, बिना मार खा नहा लिया, और भाई नहा लिया है, अब क्या करोगे? आप कपड़े पहनेंगे उसके बाद?
बैठे हुए बेचारे। ये देखिए अपने पुरानी जगह पे मैं अब आया हूँ, जहाँ मैं पहले आया था 10-12 साल पहले, वो जगह ये थी। थोड़ा सा मैं रास्ता सा भटक करके, लेकिन रास्ता भटकना भी ठीक ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता भटक के भी गलत नहीं पहुँचा मैं। कैसे हो? देखिए यहाँ का इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज रात्रि केटी, तो बहुत मान्यता है इस स्कूल की। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बहुत हाई मार्क्स लेकर के आगे गए हैं, आर्मी में भी भर्ती हुए हैं और आगे प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे एक बार यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। मेरा कज़न प्रकाश पांडे यहाँ पर शिक्षक रह चुका है और गांव के लोग बता रहे हैं कि उसने अपने प्रयासों से इस स्कूल का बहुत काया पलट करके रख दिया। तो ये गांव के लोग बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं, ऑफ कैमरा मुझे बहुत लोगों ने बताया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे कर्मयोगी शिक्षकों को जो कि अपने स्वार्थ को अलग रख करके, अपने स्वार्थ की परवाह ना करके बच्चों पे अपना समर्पण देते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो फिलहाल आज छुट्टी है और बंद है स्कूल, दसवीं पंचमी के का अवकाश है। अगर स्कूल खुला होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। देखिए इतनी दूरस्थ स्थान में होने के बावजूद भी स्कूल को कितना बढ़िया सजा रखा है, जबकि दुर्गम क्षेत्रों में आपके जब स्कूल, सरकारी स्कूलों की हालत क्या होती है आप देख सकते हैं, तो ये विद्यालय एक उदाहरण पेश करता है उन स्कूलों के लिए जो कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर, देखिए ना, साफ सुथरा प्रांगण बना रखा है बिल्कुल। और इससे पता लगता है यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं, वो उनका अपने बच्चों के प्रति, अपने स्कूल के प्रति समर्पण, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा संदेश सभी स्कूलों के लिए है, जो स्कूल खाली फॉर्मेलिटी के लिए चल रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन ये स्कूल तो एक उदाहरण है। और मुझे लगता है, मुझे मालूम पक्का, मेरे को पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन इस स्कूल को मुझे लगता है राज्य में कोई ना कोई ज़रूर इसकी रैंकिंग होगी, ये मैं दावा करता हूँ। और सबसे बढ़िया देखो, पानी की पूरी सुविधा है बच्चों के लिए। आजकल स्कूल में पानी की पीने की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। तो मुझे एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी इस गांव में आने के बाद इस स्कूल को आपको दिखाना, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मुझे क्या कहते हैं, मैंने सुना है और कभी भाई के मुझसे भी सुन लेते हूँ, हालांकि वो अपने स्कूल की अपनी तारीफ तो अपने मुझसे कोई नहीं करता, लेकिन लोग बता रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, हिमालय की जड़ में ये गांव बसा है और उसी गांव में ये स्कूल बना हुआ है। मतलब हर चीज़ एट्रैक्टिव बना रखी है, मतलब क्रिएटिविटी का एक नमूना, एक रचनात्मकता, एक क्रिएटिविटी का नमूना आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए ये टीनों का इस्तेमाल, तेल के टीनों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है, स्लोगन और लोगों और प्रतीक का चिन्ह दिखाने के लिए। ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरा प्यारा देश भारत, आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकों को बार बार सैल्यूट करूँगा। ये इस विद्यालय, ये इंटर कॉलेज रात्रि केटी का एक उदाहरण है उन स्कूलों के लिए जो स्कूल केवल फॉर्मेलिटी के लिए चल रहे हैं। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, खाली वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूलों की हालत बेकार है, स्कूलों की बिल्डिंग बेकार हो चुकी है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन ये एक अलग उदाहरण पेश करता है, एक अलग नज़ीर पेश करता है ये उदाहरण। तो इस विद्यालय को प्रणाम करके, नमन करके मैं आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता हूँ। मेरी आवाज़ यहाँ के शिक्षक लोग सुन रहे हो तो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उनको मेरा सैल्यूट है और मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों के पुरुषार्थ की वजह से ये विद्यालय का नाम आज दूर दूर तक है। और अगर इस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे। तो एक भावुकता को लेकर के मैं यहाँ से निकला हूँ, तो मेरा गला भर आया है, मैं आगे बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक
मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। तो आगे को मैं बढ़ता हूँ। हमारे गुरुजनों का जो प्रयास है उसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। तो विद्या का मंदिर ही है एक तरह से, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मंदिर के गेट में घंटी लगा रखी है ताकि इसको बजा करके बच्चे और जो लोग इस स्कूल में जाएं, ताकि उनको विद्या स्कूल को विद्यालय को एक मंदिर होने का उनको उनके अंदर भावना जगे। बहुत सुंदर। तो मैं वहाँ चलता हूँ अभी, जहाँ मैं 12 साल पहले आया था। तो उस जगह पर जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। यह है हमारे दर्पण सिंह जी की दुकान। यह है हमारे दर्पण सिंह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है। 12 साल बाद मैं आया हूँ आज, पहचान मैंने तो पहचान लिया आपको। मैं तो चलिए अभी परिचय करते हैं। तो कैसा चल रहा है काम? ठीक ही चल रहा है। अच्छा, ठीक चल रहा है। दुकान आपने अच्छी मेंटेन कर रखी है। देखिए इस दुर्गम में भी दुकान कितनी बढ़िया, हर चीज आपको मिलेगी इनकी दुकान में। तो आखिरकार इस गांव में एक दुकान मुझे नजर आई। एक है हमारा बिस्कुट भी लगाया सामने, वो हरा वाला, वो बिस्कुट मेरी कंपनी का है। अच्छा, तो ठीक ही चल रहा है। फिर समस्या रोड की ऐसी और बिजली पानी तो ठीक है, और संचार सुविधा नहीं है आपके यहाँ? संचार सुविधा कुछ नहीं है। फोन आपके खाली शोपीस हैं? बस शोपीस खाली, बस टॉर्च के लिए टॉर्च के लिए लाइट के लिए, और तो क्या होता है। फिर आपको जरूरत महसूस नहीं हुई कि हमारे वहाँ भी संचार सुविधा होनी चाहिए? होनी चाहिए। कितनी एप्लीकेशन पैसा लग गया, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है। रोड का भी यही हाल है। देखो रोड का तो खैर फिर भी ठीक है, पहले से तो ठीक है। मैं आया था पहले ना, उससे तो थोड़ा ठीक है। उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था। देखिए चाय भी आ गई है दर्पण जी। वाह, गुड़ की चाय। देखिए पहाड़ों में गुड़ की चाय लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए ये है हमारे पहाड़ों का आतिथ्य। एक अजनबी के लिए किस तरह से लोग अपने अपनी आस्था को दिखाते हैं, वो बहुत चीज देखने लायक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए पीते हैं चाय, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कट की चाय देखिए क्या बात है। देखिए पहाड़ी दुपरेशाली का मकान बन रहा है, उसकी चिनाई चल रही है। तो ये पत्थर यहीं से खोद करके, यहीं से तराश करके निकाले गए हैं, और ये लोग बना रहे हैं अपने रहने के लिए। आपका ये, आप इसमें काम कर रहे हैं? अच्छा, तो आप इसके कुशल मिस्त्री हैं? अच्छा, कितने दिन में बन जाएगा ये? हो गया 2 महीना करीब। 2 महीना हो गया है, और कितना समय लगेगा? 10-15 दिन और लगेगा। अच्छा, 10-15 दिन और लगेगा। उसके फिर पाथर वाली छत छाई जाएगी इसमें? टीन वाले है, टीन। अच्छा, टीन डालोगे? चलिए ठीक है। फिनिशिंग देखिए मकान की, बिल्कुल पत्थर ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चिपका रखे हैं। ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ का हुनर। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ के गांव के इष्ट का एक मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। आज त्योहार भी है। मैं गया था काला सहम मंदिर में, तो वो भी लोक देवता है हमारे पहाड़ के। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ गांव के इष्ट है ना ये? जी, गांव के इष्ट। हमारे इस गांव के ग्राम देवता है बालसिंह बुबू। बालसन बुबू नाम से भी माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर नंदा पूजा भी होती है हमारी। नंदा पूजा भी होती है। तो चलिए, मैं गांव में आया हूँ, तो उस मंदिर के दर्शन किए बिना मेरा जाना मैंने ठीक नहीं लगा मुझे। और आज त्योहार भी है, बड़ा दिन है, और बसंत पंचमी का त्योहार है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बार बार आना नहीं होता है ऐसी जगहों पे। तो चलते हैं मंदिर को। फिर आया हूँ तो बिना गांव के ग्राम देवता के दर्शन किए बिना और उनकी जानकारी दिए बिना जाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लग जाएगा फालतू, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जंगलों के बीच में है देवदार, और देखिए बांस के जंगलों के बीच में है वो। बिल्कुल शांति है यहाँ पर, केवल पक्षियों का ही शोर सुनाई दे रहा है बस। तो आ गया है मंदिर। थोड़ा सा चलने के बाद ये मंदिर का गेट है सामने, तो चलते हैं पहले मंदिर के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो।
तो कभी कभी ऐसी यात्राओं में आपको गांव के लोक देवताओं के और अपने ग्राम देवताओं के दर्शन जरूर करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके बिना ये यात्रा हमारी अधूरी रहती है। और भाई क्या हाल है, कहाँ से? अरे रुको रुको रुको, तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो हमारे साथ? देखिए मंदिर का प्रांगण, और यह है सामने लोक देवता है, क्या है मैं शुद्ध नाम नहीं बता पा रहा। चलिए बाहर से ही दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह के हमारे लोक देवता होते हैं, उनके थान इसी तरह के होते हैं। अभी फिलहाल ताला लगा है क्योंकि पुजारी जो है इन्हीं इसी गांव के लोग हैं, पुजारी ठाकुर लोग ही पुजारी हैं इसके। और देखिए सुबह लोग यहां पर पूजा वूजा करके जा चुके हैं, मेरे आने से पहले लोग यहां पर पूजा करके जा चुके हैं। ये जो पत्तल वगैरह यहां पर पड़े हुए हैं ये इसका प्रमाण है। ये खुला होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खुला नहीं है। ये एक मंदिर और है इसके नीचे, तो पूछता हूँ अभी किसका है। चलो पहले यहाँ चलता हूँ, ये शायद देवी का मंदिर है क्योंकि इसमें यहाँ पर चुन्नियाँ वगैरह चढ़ाई हुई हैं। चलिए गांव के इष्टों के दर्शन जरूर करने चाहिए जब भी आप किसी गांव में आते हो, ये मेरा निजी मानना है। अति सुंदर, लेकिन यहाँ भी ताला पड़ा हुआ है। दिक्कत ये नहीं आती, ताला क्यों लगा देते हैं, बिल्कुल ताला लगा के अंदर देखने लायक भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल ताला लगा रखा है, ऊपर भी नीचे भी मंदिरों में, पता नहीं क्यों ताला है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं कहना चाहता हूँ मंदिरों में इस तरह से ताले नहीं लगने चाहिए, कोई भी आता है उसका मतलब मन खराब होता है। अब मेरा मूड बहुत खराब, मैं इतनी दूर चल के आ गया, मुझे अंदर दर्शन नहीं हुए, तो ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन इसके पीछे भी कोई कारण होता होगा यार, कोई रीज़न होता होगा। चलो चलता हूँ मैं वापस, भाई मुझे अभी जाना आगे भी। वो सामने जो हरा हरा दिख रहा है वो क्या है गांव? होकरा है। अच्छा वो देखिए सामने होकरा नजर आ रहा है, मंदिर वही है होकरा देवी का? अरे वाह क्या बात है, यह है होकरा देवी का होकरा गांव और होकरा देवी का मंदिर। आपको दूर से ये देखिए, थोड़ा सा धूप सामने है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो एक दो घर और नजर आ रहे हैं मुझे, तो वहां चलता हूं मैं। ये देखिए अच्छा है, अच्छा ये देखो घास काट रही हैं, डोके में रख के घास काट रही हैं। चलो चलता हूँ मैं बाखली में। आराम से धूप सेक रहे हैं। कि घरों का स्ट्रक्चर देखिए कितने शानदार, बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं इन्होंने। और एक सुगम में स्थित गांव से ज़्यादा बेहतर मुझे स्थितियां इनके रहन सहन की लग रही हैं। ये देखिए ये कोई है नहीं यहाँ पर, चलिए इस घर में चलते हैं सामने। अब
अभी बहुत नीचे गांव ही गांव है, नीचे बिल्कुल नदी के किनारे तक गांव ही गांव बसे हुए हैं। चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, हेलो, क्या नाम है आपका? हिना मेरा। अच्छा, क्या करते हो? ट्वेल्थ कर रखा है। अच्छा, तो इसके बाद फिर कॉलेज वगैरह की क्या तैयारी है? इस साल से होगा। इस साल से बागेश्वर से ही करोगे? नहीं, अल्मोड़ा से। वहीं रहोगे? हाँ। अच्छा, बाकी लोग कहाँ हैं घर के? मम्मी आगे हैं। अच्छा, तो ये है हिना मेहरा, इंटर कर लिया है इस बार। यहीं से क्या होगा इंटर? कुछ नहीं, यही है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी क्या होता है खेती बाड़ी में? कुछ नहीं, जौ होते हैं हमारे यहाँ। जौ और गेहूं? गेहूं कम ही होते हैं। जौ ज्यादा होते हैं? जौ ज्यादा। तो जौ को क्या करते हैं फिर? वही गाय भैंसों के लिए दे लिया। तो अपने खाने के लिए क्या है? अपने खाने के लिए बस बाजार से। अच्छा जी, खरीद के खाना। और धान? धान के, धान तो ना के बराबर। ना के बराबर होती नहीं है। उस टाइम चतुर्मास में मुडवा होता है हमारे यहाँ। और बाकी दालें वगैरह? थोड़ा जहाँ दाल, हाल कुछ नहीं। दाल भी कुछ नहीं? सब खरीद के। सब्जियाँ होती है बस, थोड़ा बहुत सब्जियाँ होती है। मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है ना। अच्छा, मिट्टी उपजाऊ नहीं है? अच्छा, मिट्टी हुई तो। लेकिन क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तभी ये कारण हो सकता है। अच्छा, तो पापा कहाँ है आपके? हरियाणा है। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क यहाँ नहीं है, तो कभी किसी से बात करनी हो तो क्या बड़ी दिक्कत? उधर जाना पड़ता है, बहुत दूर। चूराधार बोलते हैं वो। मतलब आपको फोन करने के लिए वो धार में जाना पड़ता है? चूराधार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है नेटवर्क। आज हम लोग 5G के युग में जी रहे हैं, हम लोग 5G चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों के पास 1G भी नहीं है। 1G मतलब कॉल करने के लिए भी धार में जाना पड़ता है। ये कितनी बड़ी समस्या है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए, लेकिन गांव वालों ने अपनी समस्याओं के साथ जीना ढाल लिया है, अपने आप को सीख लिया है जीना, क्या कहें। उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घर देखिए अंदर से। ये भकार है, इसको भकार कहा जाता है। इसमें हमारा अनाज स्टोर किया जाता है। ये देखिए सिलेंडर भी है, जरूरत पड़ने पर सिलेंडर भी होता है। वैसे लकड़ियों का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये रसोई है, ये मेरे ख्याल से अस्थाई रसोई होगी, बाकी तो चूल्हे में बनाते होंगे आप, बाकी तो है ना, बाकी तो चूल्हे में बनता होगा। हाँ, तो ये है गांव के लोगों की जिंदगी। ये देखिए पानी का टैंक बना रखा है, ये इनके घर हैं। बिल्कुल हिमालय की जड़ में बसे हुए ये गांव है। सामने हिमालय आप देख भी रहे हैं। ये घास काट रही हैं अम्मा। नमस्कार, घास काटना? हाय। अच्छा, ये क्या हुई हो? जय हो। जो ये जई काट रहे हैं, के नाम हूँ यशोदा देवी। अच्छा, गोरबाचन काटना है? अच्छा जय। अच्छा काटो, ये देखो यहाँ पे डोका रखा हुआ है। ये देखिए गांव की जिंदगी, ये डोका है, इसमें यहाँ के लोग इधर गट्ठा नहीं पकड़ते। ये देखिए मुझे भी आता है घास काटना, ऐसा मत समझना मुझे घास काटना नहीं आता है। ये तो क्या काटना है फिर? ये निकाल के अच्छे से निकालते हैं, पत्तियां निकालना पड़ता है, पत्तियां। अच्छा, कोई बात नहीं, जो हो गया हो। तो इस तरह से घास को काट के इसमें रखा जाता है। हाँ। उसके बाद रस्सी लगा करके इसको ले जाया जाता है। ये यहाँ की परंपरा है। ये लोग गट्ठा, घास के गट्ठे लोग कम मैंने देखा है, तो ये डोको में डाला जाता है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है घास काटना, लियो काटो। अच्छा, जई नहीं काटनी थी? नहीं। तो क्या कर रहे थे फिर? ये पत्ती निकालनी पड़ती, पत्तियां। कोई बात नहीं। तो ठीक है फिर, लेकिन समस्याएं ढूंढने निकलेंगे तो बहुत समस्याएं हैं गांव वालों की, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दिक्कत परेशानियां हैं, जो हम लोग सुगम में रहने वाले लोग उसको समझ नहीं सकते। तो ये मेरा उद्देश्य इसीलिए ब्लॉग बनाने का था, ताकि इन लोगों के दर्द को, इन लोगों की परेशानी को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। लेकिन इस गाँव में ये जो घर है, नीले और सफ़ेद और नीले घर, ये बहुत एक अट्रैक्शन का केंद्र है, एक आकर्षण का केंद्र है ये। चलता हूँ ऊपर को फिर अब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देर हो जाए, बहुत देर हो गई।
तो ये मोबाइल कैसे पकड़ रहा है यहाँ पर? जी वो सर कभी कभी पकड़ता है, केवल बात करने लायक, बात करने लायक, वो भी कट कट के, मतलब बात भी पूरी नहीं हो पाती है। करो बात करो इनसे। हेलो, ये देखिए एक सिग्नल है, बड़ी मुश्किल से बात हो रही है, भी कट कट के बात हो रही है। हेलो, तो देखिए ये हालत है, यहाँ पे कोने में खड़े होकर के, धार में खड़े होकर के ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, बात हो नहीं पा रही है। ये वो कट कट के बात हो रही है यार, कट आवाज नहीं आ पा रही यार, वो कट कट के, नेटवर्क है नहीं यहाँ पर, नेटवर्क नहीं है इसके। देखिए आपको कोई अर्जेंट बात हो, कोई अर्जेंट काम हो किसी को, तो आपकी बात ही नहीं हो सकती है, बात नहीं हो पाती सर। ये चीज़ है, ये समस्या मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ये देखिए आवाज़ नहीं आ रही कह रहे हैं, तो ये समस्या है। एक डंडा है जियो का खाली, बस। चलिए, मुझे सिम खरीदा जियो का, जियो का सिम खरीदा मैंने, जबकि नातने को मैं हॉस्पिटल अल्मोड़ा ले गया था, तब भी उसके पास मोबाइल भी खरीदा होगा, मोबाइल खरीदा, सिम खरीदा, सब कुछ खरीदा मैंने, लेकिन वो खाली डब्बे हैं, वो खाली डिब्बे पड़े हैं, टावर होता पकड़ता वो, पकड़ता। ये देखो ये हालत हो रही है, बात ही नहीं हो पा रही उनकी, बात नहीं हो पा रही है। चलो, ये आ गया है हमारा खाना, नहीं और आ रहा है। अच्छा, और आ रहा है, और क्या ले आए? ये देखिए आज त्योहार है, इतनी चीजें नहीं, आपको खाली कष्ट हुआ? नहीं नहीं, 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 नहीं। ये देखिए आप, बसंत पंचमी का बड़ा त्योहार है और त्योहार यहाँ खाया जा रहा है। देखिए दूध मट्ठा भी है, दही भी है, खीर भी है, पूरी सब्जी पकौड़ी, क्या क्या इन्होंने बना दी है। अरे वाह, ये देखिए पहाड़ों का आतिथ्य आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या बात है, खुश हो गया दिल। चलो नाश्ता सा कर लेते हैं, सुबह से निकला हूँ अभी, 3 घंटे मुझे गाँव में घूमते घूमते हो गए, और नाश्ता करके फिर हम आगे निकलते हैं आगे की यात्रा में। तो गृह स्वामी नारायण सिंह जी, तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी, और आपकी जो आपका जो आतिथ्य स्वभाव है, ये मैं इसके उदाहरण के रूप में दुनिया को दिखाना चाहूंगा। तो कैसे एक अनजान आदमी के लिए किस तरह से आप लोगों के मन में, हालांकि हर जगह ऐसा ही है पहाड़ों में हमारे, लेकिन आपका विशेष आतिथ्य मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया आपके। हाँ, चलिए बैठिए फिर। हाँ, नाश्ता सा कर लिया है, बिल्कुल भरपेट बढ़िया करके, पूड़ी खीर दही मट्ठा। तो अब मैं चलता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, याद रखेंगे आपको हमेशा, और आपका जो आतिथ्य, क्या बात है, आपने मतलब मुझे ना, चलिए कभी भी आऊंगा तो जरूर आऊंगा आपके घर में, बहुत मेहमान आते हैं। अच्छा, अच्छा मानते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब मेरे लिए एक ऐसी चीज हो गई ना, मैं क्या कहूँ, हालांकि बहुत जगह मैं गाँव में गया हूँ, मुझे लोग रहने को कहते हैं, लेकिन आपके जैसा मतलब एक अलग ही मिला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये स्वभाव लोगों के लिए प्रेरणा है, उनके लिए उदाहरण है। तो चलिए मैं चलता हूँ, नमस्कार, कोई भूल चुका तो माफ करिएगा। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी, और मुझे अभी आगे जाना है, तो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरा मेरी वीडियो जब आएगी तो सब जगह पहुंच ही जाएगी वो। ठीक है, नमस्कार है, ओके, ठीक है, ओके, आपका धन्यवाद। ठीक है, आप चलता हूँ मैं, ओके जी। तो इस गाँव की यात्रा को मैं करूँगा यहीं पर समाप्त। तो आप लोगों ने देखा कैसा हमारे पहाड़ के लोग किस तरह से एक अनजान लोगों के लिए, मुसाफिर, अनजान मुसाफिर के लिए किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का उनका मन होता है, किस तरह का वो आतिथ्य करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मैं एक बढ़िया चीज़ लेके यहाँ से जा रहा हूँ, और आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए समाप्त करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पर, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जहाँ तक पहुँचा सकें इस वीडियो को आप पहुँचा दीजिएगा।